ओला डॉक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राशिद सईद है। मैं प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी हूं और मैं नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में प्रैक्टिस करता हूं। आज जो हम आपको एक पब्लिक अवेयरनेस देंगे वो है नी जॉइंट पेन पे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। नी जॉइंट पेन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये। इसमें जो है वो हमारे जो यंग लोग आ जाते हैं वो भी हैं और जो हमारे एल्डरली पीपल हैं उनमें भी नी जॉइंट का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। नी जॉइंट की पेन को समझने के लिए पहले मैं बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ सा आपको मैं एक नी जॉइंट का इंट्रोडक्शन दूंगा। नी जॉइंट जो है वो दो बोन्स से बना हुआ है, एक हमारी जो फीमर जिसको थाई बोन कहते हैं और दूसरी टांग की हड्डी है। ये दोनों हड्डियां आपस में अगर हम देखें तो बिल्कुल इस तरह ये रोटेट करती हैं एक दूसरे के ऊपर और इनके आगे और पीछे मसल्स हैं जो कि इनको कवर करती हैं। उसके अलावा कुछ लिगामेंट्स हैं जो साइडों पे हैं और दो लिगामेंट जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं वो जॉइंट के अंदर होते हैं। ये जॉइंट एक्सपोज होता है टू द एनवायरनमेंट, यानी कि इस पे चोट लगने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं क्योंकि इसके ऊपर पट्ठों की लेयर बहुत कम है। तो इसलिए आपने भी देखा होगा कभी चलते हुए कोई कुर्सी का कोना लग जाए या बेड का कोना लग जाए तो बड़ी शार्प पेन होती है। तो इसलिए इसकी पेन जो है वो होती भी ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग कम है। अच्छा, इसको हम अगर डिवाइड करें तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारी जो यंग पॉपुलेशन में ये पेन जो है और दूसरा जो है हमारे एल्डरली लोगों में जो पेन है। यंग पॉपुलेशन में ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स इंजरीज आ जाती हैं या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आ जाते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तो ऑब्वियसली अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उसकी पेन तो बहुत शदीद होती है और उसका जो इलाज है उसको फौरी तौर पे मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाएं और अकॉर्डिंगली वो फिर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वो उसको ट्रीट करेगा। अगर फ्रैक्चर है तो या तो उसको प्लास्टर लगेगा या उसका ऑपरेशन होगा। दूसरा जो है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज हमारे जो फुटबॉलर और या क्रिकेटर्स हैं या फिर जो बास्केटबॉल खेलते हैं या फिर एथलीट्स हैं उनमें नी जॉइंट की इंजरीज बहुत कॉमन है। उसमें होता यह है कि जब वो भागते हैं और उस पर जब प्रेशर आता है नी जॉइंट पे तो उसके अंदर जो कार्टिलेज है जो कि नरम हड्डी हमारे जोड़ के अंदर होती है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है उसके ऊपर प्रेशर आता है तो उसकी वियर एंड टियर हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से पेन होती है। या फिर कोई लिगामेंट इंजरी है तो पेन हो सकती है। उसका इलाज भी फिर एक आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले आपको मुआयना करेगा, हिस्ट्री लेगा, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट बताएगा जिसमें कि एक्सरे, एमआरआई और बाकी और टेस्ट भी हो सकते हैं। उसके मुताबिक फिर आपको उसका ट्रीटमेंट की जाएगी। तो उसमें जो हमारे पास जो है एक तो है नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, एक होते हैं इन्वेसिव टेस्ट। नॉन इन्वेसिव में जैसे है कि हम एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन समटाइम्स करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। और जो दूसरा इन्वेसिव है उसमें होता है कि की होल सर्जरी। की होल सर्जरी में होता है आर्थोस्कोप होता है, दो छोटे छोटे सुराख करते हैं, उसके अंदर से कैमरा डालते हैं और अंदर से नी जॉइंट का मुआयना करते हैं और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो उसी वक्त उसको ठीक कर देते हैं। समटाइम्स होता है कि उसके लिए थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है लेकिन वो भी सारे ऑपरेशन की होल सर्जरी से हो जाते हैं। अब दूसरा जो है वो है एल्डरली लोगों में। एल्डरली लोगों में जो पेन है वो ज़्यादातर तो होता है कि जी आर्थराइटस हो गया, उसमें पेन हो गई। और आर्थराइटस में क्या होता है, उसमें जो अंदर से हमारी जो नरम हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं वो डैमेज हो जाती है और जो घुटनों का गैप है वो ख़त्म हो जाता है। आपस में हड्डी जो सख्त हड्डी है वो आपस में रगड़ खाती है तो उसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होती है। उसका जो इलाज है वो हम एक्सरे से करवाना शुरू करते हैं। पहले एक्सरे करते हैं, हम डायग्नोज करते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं उसको वर्जिशें करवाने से। वर्जिशें करने से ये जो पट्ठे फ्रंट पे पट्ठे जो होते हैं जोड़ को सपोर्ट करते हैं उनको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन्स कहते हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स कहते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं।
उसमें आपने टांग को बिल्कुल सीधा करना है, सीधा करके लेट के टांग को सीधा ऊपर उठाना है 60 डिग्री एंगल पे, उसको होल्ड करें, 10 तक काउंट करें और फिर नीचे ले जाएं। ये आपने अमल कम से कम 10 से 12 दफ़ा सुबह, 10 से 12 दफ़ा शाम को करना है। उससे ये आपके क्वाड्रिसेप्स मसल जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये आपके नी जॉइंट को सपोर्ट करेंगे और पेन पे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। ये है बिल्कुल शुरू की जो ट्रीटमेंट। उसके बाद कुछ रेस्ट हम करवाते हैं। अगर वज़न ज़्यादा हो तो हम एडवाइज़ करते हैं कि वज़न कम करें, सीढ़ियों का चढ़ना कम करें, भागना दौड़ना नहीं है, चल फिर सकते हैं, वॉक करें, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, साथ कुछ मेडिसिंस देते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद अगली स्टेज आ जाती है कि जिस पे हम कहते हैं जी कोई इंजेक्शन लगवा लें अब आप, क्योंकि स्पेस कम हो गई है। उसमें दो तीन तरह के इंजेक्शन हैं। एक तो है जो जिसको जेल इंजेक्शन बोलते हैं, हेल्गॉन इंजेक्शन होता है, वो हम 3 से 4 इंजेक्शन लगाते हैं तक 1 से 2 हफ्ते के वक्फे के साथ। उससे जो जेल थोड़ी सी लगाने से अंदर से जो कार्टिलेज है उसकी रिपेयर होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी उसकी मरम्मत होती है तो पेन को काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। या फिर अभी नई एक और ट्रीटमेंट है PRP, जो कि आप ही का ब्लड लिया जाता है, उसमें से उसको जो है स्पेशल उसका एक प्रोसीजर किया जाता है और आपका प्लाज्मा जो है उसको आपके जॉइंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे भी जो हड्डी जो रिपेयर होती है, हड्डी वो जो नरम हड्डी होती है वो काफ़ी रिपेयर हो जाती है, बेहतर हो जाता है। इसके बाद अगली स्टेज पे है कि हम कहते हैं जी कि अब ये और ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आर्थ्रोस्कोपी का जो कि की होल सर्जरी है उससे सफाई करते हैं अंदर, तो उससे भी कुछ आपके 2-3 साल गुजर जाते हैं। लेकिन आखिर में फिर वही होता है कि जी ऑपरेशन करवा लें, तो ऑपरेशन में हम कहते हैं जी अपना घुटना चेंज करवा लें। तो आजकल के ज़माने में तो घुटना चेंज करवाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया या गले में टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लिया। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ आपको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रिकवरी में, उसके बाद आप बेहतर होना शुरू होते हैं, 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलना शुरू कर देते हैं और लाइफ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ हम मरीज़ों को ये भी कहते हैं कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें कि विटामिन डी और जो कि हमें सूरज से मिलता है, दूसरा दूध से मिलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप सबको मालूम है कि दूध तो हमें खालस बड़ा मुश्किल है कि मिले, तो फिर हम विटामिन डी के इंजेक्शंस या कैप्सूल्स कहते हैं कि ले लें आप, तो वो भी आपको लेने चाहिए। उससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, दर्दें भी ख़त्म होती हैं, पट्ठे भी मजबूत होते हैं, पट्ठों की दर्दें भी ख़त्म होती हैं। तो इस तरह ये हम नी जॉइंट की पेन को कंट्रोल करते हैं और ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। हर बंदे में इसकी वजह डिफरेंट हो सकती है और इलाज इसका उसी तरीके से डिफरेंट होता है। अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो तो आप मेरी अपॉइंटमेंट के लिए ओला डॉक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।